जो हमारी प्रोडक्ट है बायोबिटिस यानी कि डायबिटिक रिवर्सल के ऊपर, वो अप्रूव हमारा आ गया है। उनका पेपर आज हमें मिल भी गया है, तो उसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया है। दो प्रोडक्ट है जो मैंने उसी एपिसोड में मैंने आपको तीन प्रोडक्ट बताई थी। वन इज द बायोबिटिक सिरप, सेकंड इज द बायोबिटिक क्रश पाउडर एंड द थर्ड इज द बायोबिटिक टेबलेट। उसमें से जो हमारा सिरप वो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में शुरू हो गया है, और दूसरा जो हमारा है टेबलेट भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। थर्ड जो अभी अभी हमने जो परमिशंस मिली है जो हमारी बायोबिटिक क्रश पाउडर की, उसका भी होपफुली नेक्स्ट वीक से उसकी प्रोडक्शंस भी लाइनअप में आ जाएगा। तो यानी कि बहुत ही जल्द आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है आपको डायबिटिक रिवर्सल्स के बारे में। उसके ऊपर मेरे जो वीडियोस जो रहता है प्रमोशंस वीडियो, यानी कि डायबिटिक क्या है, डायबिटिक में क्या आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, और हमारी जो प्रोडक्ट्स है बायोबिटिस वगैरह वो कैसी तरह से काम करेगी, ऐसी ये पॉइंट लेके एक वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो जाए कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आए तो आप वो प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज यानी कि नो हाउ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कैसे लेनी है, और बायोबिट जो डायबिटिक जो पेशेंट्स है उसको उनकी लाइफस्टाइल कैसी तरह से रखनी है। तो ये जो उसी टाइम मैंने तीन चीज बताई थी, मैंने आपको आहार विहार और औषध, तो डायबिटिक पेशेंट्स को क्या आहार लेना पड़ेगा वो भी बहुत ही क्लियर कट हम बता देंगे, उनका नॉर्म्स भी, और विहार विहार में उनको क्या कैसे मींस के थोड़ा टाइम के लिए यानी कि वॉकिंग वगैरह रह गया, उनकी थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, योगासन हो गए, वो भी करीबन 30 मिनट में ये सब कुछ आ जाएगा। और खुराक में थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, और हमारी जो मेन जो हमारी प्रोडक्ट है बायोबिटिक सीरीज प्रोडक्ट यानी कि तीन हमारी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जब भी से वो सेवन करना शुरू कर देंगे तो जो 200 के नीचे जिनका ब्लड शुगर है उसको मैं आपको खुशखबरी बताता हूँ, उनका 7 दिन में ओनली 7 डेज में 200 के नीचे जिसका ब्लड शुगर है उसको नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। वो तीनों रिजिम को पालन करेंगे अच्छी तरह से तो 7 ही दिन में यानी कि आहार विहार और औषध का अच्छी तरह से उनका प्रोटोकॉल का वो उपयोग करेगा और उनको फॉलो करेगा तो 200 के नीचे जिसकी भी ब्लड शुगर रहेगी वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगे। और उनकी जो भी मेडिसिन्स जो ले रहे हैं, या जो टेबलेट ले रहे हैं, एक टेबलेट ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, या बीपी की भी साथ साथ में दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई साथ साथ में ले रहे हैं, तो उसको मजबूरन ये तीनों ही दवाई, उनकी शुगर लोवरिंग की प्रोडक्ट यानी कि एलोपैथी की जो मींस के केमिकल वाली प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी उसको मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ड्रास्टिकली हमें उनको रिजल्ट मिलेगा। और 200 के और 300 के बीच में जितने भी जिनके ब्लड शुगर रहेगी उस वो लोग 21 दिन में 21 डेज में वो भी अपनी मेडिसिन्स को बंद करने में मजबूर हो जाएंगे। और 300 के ऊपर 300 से 500 तक यानी कि जिसकी भी जो ब्लड शुगर रहता है वो लोग को हमारा जो रिजिम है 3 महीने में 3 मंथ में वो भी 3 महीने में उनका जो इंसुलिन्स ले रहे हैं या कोई मेटफॉर्मिंग ले रहे हैं तो वो भी उसको छोड़ने के मजबूर हो जाएंगे। कंडीशन ये कि हमारी जो रिजीम है आहार विहार और औषध उसका अच्छी तरह से वो पालन करेंगे तो जो 200 के नीचे मैंने बताया टाइमिंग आपको एक वीक में, 200 और 300 का 21 दिन में, 300 से 500 तक का जिसका ब्लड शुगर रहता है रहेगा उसको 3 महीने में जो उनकी करंट दवाई चल रही है उससे मजबूरन उसको छोड़नी पड़ जाएगी और छोड़ देंगे और पूरी तरह से जो ये डायबिटिक महामारी के रूप में जो है
उससे पूरा निजात पा सकेंगे, यानी कि डायबिटिक वो फ्री हो जाएंगे तीनों रिजिम का जो वो पालन करेंगे अच्छी तरीके से। तो राइट, तो इसका भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में खुशखबरी हम देंगे आपको कि कब से आपको ये डिलीवरी आपको हम शुरू कर रहे हैं। उसके ऊपर फुल फ्लेज से वर्कआउट शुरू हो गया है।